सीटों का आम आदमी को फायदा हो रहा है पिछली बार से, और एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। देखिए, ये दिल्ली की जनता की जीत है। 15 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी का निकम्मा बन रहा, दिल्ली की जनता उसके खिलाफ लामबंद हुई, और नतीजा ये हुआ कि देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी जैसी छोटी सी पार्टी ने हरा दिया। ये लड़ाई बेईमान बनाम ईमानदार की थी, भ्रष्ट बनाम ईमानदार की थी, और दिल्ली की जनता ने ईमानदार का साथ दिया, काम करने वालों का साथ दिया। जिन्होंने झूठ फैलाया, बोगस प्रोपेगेंडा किया, उनके खिलाफ वोट किया। नतीजा ये हुआ कि आज 15 साल का जो कुशासन था निगम के अंदर भाजपा का, वो खत्म हो रहा है। देखिए, निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है, और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है, और आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार एक्सपोज भी हुआ है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए हैं। और जिस तरह नेक टू नेक फाइट हुई है, देखिए चुनाव है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस कांग्रेस ने पूरी दिल्ली के स्वरूप को बदला, शीला दीक्षित जी ने 15 वर्षों में जिस तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ इसको डाइवर्ट किया, और उसके बाद 15 साल का भ्रष्टाचार बीजेपी का, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 3-3 महीने आज पॉल्यूशन का लेवल क्या है, यमुना साफ हुई कि नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता शायद कहीं ना कहीं इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने अपने विज्ञापनों से उसको कहीं ना कहीं वंचित किया कि वो असली मुद्दों पर वोट करें। वो आंकड़े हैं भाई, अभी वो ऐसा रिजल्ट नहीं है। देखिए, प्रेडिक्शंस तो आम आदमी पार्टी कर रही थी कि 230 आएंगी, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे मुझे 230 सीटें आएंगी। तो ये तो आप मानते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल की जो डर्टी गंदी पॉलिटिक्स की, उसको लोगों ने नकारा है, इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल आज सौ से भी नीचे घूम रहे हैं। करप्शन के साथ जो अरविंद केजरीवाल ने दिया, लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, ये भी स्पष्ट है। अभी थोड़ी देर और इंतजार करिए, हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं। दिल्ली के 15 साल की जो अच्छा शासन था, अच्छे काम थे कॉरपोरेशन के अंदर, और बीजेपी की नीतियों का आम लोगों ने समर्थन किया है, और मेयर में भी लोग बीजेपी का ही समर्थन करेंगे जो मेंबर बन के आए हैं, और बीजेपी का ही यहाँ पे दिल्ली में मेयर बनेगा। गुजरात का चुनाव हो रहा है, उसी समय एमसीडी का चुनाव करा दो तो शायद जीत जाएंगे। लेकिन सभी तीन तिकड़म को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों ने नकार दिया है, और ये फैसला दिया है कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, अगर वो जनता का काम नहीं करेंगे, तो जनता अरविंद केजरीवाल को चुनेगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी। ये फैसला दिल्ली के लोगों ने दिया है, जिसके लिए तहे दिल से लोगों को बधाई। दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। जैसे दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल जी को दी, दिल्ली सरकार की चाबियां अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थमाई, वैसे ही आज दिल्ली के लोगों ने नगर निगम की चाबियां भी अपने परिवार के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को थमाई है। दिल्ली के लोगों ने एक संदेश दिया है कि हम काम करने वालों को वोट डालते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं डालते हैं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, संतोषजनक नहीं है। हम लोग इससे ज़्यादा की आशा कर रहे थे, और हमको लगता है कि चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, इसका जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो, तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और पार्टी चिंतन करेगी।